अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोल कनक, सब बताते इनको। मुझे कल रात पूरा सपना आया, फिर मैं डर गई, मैं उठ गई। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, पानी पीने के बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। बेटा, वो पानी था या कुछ और? पानी था पर उसमें स्मेल थी, दवाई जैसी, दादू की दवाई जैसी। खांसी वाली दवाई ना जैसे करना? हाँ बिल्कुल वैसी। ये देखो कनक, यही का बकवास लगा रखी है। वो बोली जा रही है, तुम मुंडी हिलाई जा रही हो। आई दिन भर टीवी देखती रहती हो और ना आप तो ना बकती रहती हो। चलो यहाँ से। चलो आई देख लीजिए क्या हो रहा है हमारे साथ। आपकी वाइफ को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, बच्चों से ऊट पटांग बुलवाया जा रहा है। कहते हैं, हम बताइए खुशबू बॉस, हम ही बता देते हैं, कहते हैं कि हमने पानी में दवा मिला के कनक को पिला दिया। भूल जाते हैं ये लोग कि कनक हमारी है, हमारी। उसको कुछ हुआ ना, उससे पहले हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, हम मर जाएंगे। हटो। बुआ जी, बच्चों को कमरे में लेकर जाइए। अरे बेटा, तुम क्यों जा रही हो उनके पीछे? बड़का बाबू, जो दीदी का नकली आंसू है ना, वो सबको बरगला सकता है लेकिन हमको नहीं। और बच्चा जो बयान दिया है ना, वो कोनो जबरदस्ती का नहीं था। इसका माने कल रात कुछ तो हुआ है कनक और दीदी के बीच में, और दीदी ये सब नाटक करके ना इसको छुपाने का कोशिश कर रही है। और इस समय अगर हम ये भांडा नहीं पो रहे, इसका पर्दाफाश नहीं किया ना, बहुत देर हो जाएगा। का पता फिर मौका मिले कि नहीं मिले। अब पता चला सारा सच लुप्त हो गया। ये तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुमने कनक को पानी पिलाया रात में, बात खत्म हो गई। अब उसमें सिर्फ था नहीं था, वो बात की बात है। और वो ग्लास जिसमें तुमने पानी पिलाया था रात को, जब हम उठे थे ना, तो हमारे हाथ से गिर के टूट भी गया। टूट गया? जब इंसान सच्चा होता है ना, तो वो झगड़ता नहीं, इत्मीनान से सबके सामने अपनी बात रखता है। जो जो उससे पूछा जाए सवालों के जवाब देता है। तो सिर्फ सवालों के जवाब दो और बात को खत्म करो अंसिनी। लेकिन हमारी जिंदगी में सवाल खत्म ही नहीं होते हैं, अग्नि परीक्षा रुकती ही नहीं है। और कितना सहना तड़पना पड़ेगा आपका दिल जीतने के लिए? तुम्हारा अभी भी नौटंकी जा रही है, सीधा सीधा बता कह नहीं देती है कि काहे की तुम ऐसा। हमने कहा कि तुम कनक के साथ काकी का किया हमने कनक के साथ ऐसा कह रही है का किए कि मतलब मालूम ही नहीं है तुमको। वही तो हम कह रहे हैं, हमको मालूम हो या ना हो, तुम कौन होती हो मालूम करने वाली? कनक हमारी है, तुम कौन होती हो उसके बारे में सवाल करने वाली? क्या लगती है कनक तुम्हारी, क्या रिश्ता है तुम्हारा कनक के साथ?
कनक हमारी है, ये हमारे पति है, ये हमारा घर है। तुम कौन हो हमारे पारिवारिक मामले में नाक घुसाड़ने वाली? क्यों दे हम तुमको जवाब? तुम हमारा रोटी चलाती हो? नहीं। तुम एक घर चलाती हो? नहीं। तुमको इजाजत किसने दी हमसे सवाल जवाब करने की? बोलो, जवाब काहे नहीं देती हो? बोलो। अरे शट अप यार, बंद करो अपना ये ड्रामा, अपना ये झगड़ा। ये मसला तुम दोनों का नहीं है, उस मासूम बच्ची का है, उसकी स्वास्थ्य का है, उसकी सेहत का है। वही तो हम कह रहे हैं इस जाही को, कनक हम दोनों का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ क्या कर रही है? निकालिए इसको यहाँ से, हम ही निकाल देते हैं। निकलो, निकलो। वैसे काय देख रही है भाई? देख रहे हैं अमरीकू को बात और हालात समझ में आए कि नहीं। हम मुझे नहीं कहा बोलना चाहती तू? काहे काहे नहीं पूछ पा रही हो तुम? हाँ कहा ना हंसिनी ने, कनक उसकी बेटी है, वो उसका परिवार है, तो बीच में मत आओ, कनक को पालने की कोशिश मत करो। एक छत के नीचे जब एक परिवार होता ना माई, तो उस परिवार में सबको एक दूसरे के बारे में सोचना होता है। फिर कनक का, उसकी जगह कोई और भी बच्चा होता ना, तो हमको उसके लिए भी उतना ही चिंता, उतना ही फिकर होता। और माई जब हंसनी दीदी जैसी हो, बेपरवाह, जालिम, और बच्चा जब कनक की तरह तकलीफ में हो, तो तू बता ना माई क्या करे? हम खड़े खड़े बस देखते रहे, कुछ नहीं करे। पर कनक कोई और नहीं ना, वो राजीव बाबू की बिटिया है। और एक बात बताओ, कि आधी रात को तुमको कैसे खबर मिली कि कनक तकलीफ में है? हमको एकदम अजीब सा बेचैनी होने लगा माई, वैसे जैसे हमको होता था ना, हमारा दिल का धड़कन जो तेज हो जाता था, एकदम वैसे होने लगा। पहले तो लगा कि कोयल को कुछ हो गया है, जब नींद खुला तो देखे कि कोयल ठीक है, सो रही है। लेकिन बार बार हमको कनक का ख्याल आने लगा, इसीलिए हम सोचे कि एक बार बस कनक को देख लेते हैं, तो उसके कमरे की तरफ चले गए। अरे तुम बूझ काहे नहीं रही हो, कनक राजीव बाबू और हंसिनी की बेटी है। जो कोयल के लिए तुमको लगता है ना, वैसे कनक के लिए महसूस होना अच्छा तो है, पर ये व्यवहारिक नहीं है, मत करो ऐसा। पर माई यही भावना कोयल को भी कनक के लिए है, और कनक को कोयल के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। दीदी कितना कितना का हिसाब रखेगी, कितना कितना को अलग करेगी एक दूसरे से, करने दो उसको जो करना है। जान तो तुम्हारी भी बसती है कनक में, कहे कि उसके पिता तुम्हारे राजीव बाबू है, पर तुम्हारे मन की भावना यूं ही खुल के कहना और निभाना सिर्फ नहीं चलेगा ना इस घर में। कहे कि कनक के पिता भले राजीव बाबू है, पर उसकी माँ वो है जिसको तुम फूटी आंख नहीं पाते, कहे नहीं समझते। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मम्मी जी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी जी ऑफ कोर्स यू के पास जब लिटिल बिट ऑफ माइंड भी नहीं है, तो उसको खर्च करने के लिए क्यों निकल जाती हो? बाय। मम्मी जी एक छोटी सी बच्ची को कब सिरप कोई कैसे पिला सकता है? हाँ हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस घर में। वाओ सो मेनी क्वेश्चंस, कैसे क्यों मुझे क्या पता, होगी कोई वजह। मालूम तो आपको सब कुछ रहता है मम्मी जी, जैसे घर में जो भी कुछ होता है सबसे पहले आप ही को तो पता चलता है। जैसे आपने उस दिन कहा था कि घर में कुछ होने वाला है, हंसनी बाहर जाने वाली, और आपने कहा था कि चुप रहो। जब मम्मी जी आपको सब कुछ पता होता है तो आपको बताना चाहिए था ना, कम से कम कनक की तबीयत इतनी खराब तो नहीं होती। ओवरडोज की वजह से अगर उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती तो बताइए क्या होता मम्मी जी।
यहाँ होता क्या होता क्वेश्चन बैंक। शट अप, मुंह बंद। पता है ना तुम्हें दीवारों के भी कान होते हैं। यू को अचानक से कनक की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? चंदेल भवन में तो एवरी सेकंड डे ये सब होता ही रहता है, राइट? एंड यू नो, ऑफ कोर्स, जब आए खुद इन सारे मसलों से खुद को दूर रखती है तो यू को क्या जरूरत है ऐसे डिटेक्टिव बनके फ्रॉम वन कमरा टू अनदर कमरा जासूसी करने की, राइट? बड़े घर में शादी हुई है, बिग हाउस चंदेल भवन, बड़े घर की बहू हो, आराम से रहो, फुल प्लेट खाना खाओ, लेकिन दूसरे के फटे में टांग पड़ाने की जरूरत नहीं है। Never stitch दूसरे का फटा, got it? Now move. I go, I की ब्यूटी स्लीप कंप्लीट करनी है। Come on. खाने के बाद जूस तुमने दिया था, लेकिन जूस में कफ सिरप कहाँ से आया? बात तो साफ है, जूस कुहिया ने दिया और जूस पी के कनक का तबियत बिगड़ गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया पर उसमें स्मेल थी दादू की दवाई जैसी। ओ क्या हुआ बेटा, ये चुपचाप अकेले यहाँ क्यों बैठी है तू? क्या सोच रही है बेटा? हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है बड़का बाबू, कोई अपना बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि हंसनी नॉर्मल नहीं, पागल है। शायद तुम नहीं जानती बेटा, हंसनी ने कनक को पहले दिन से इतनी यातना और इतना टॉर्चर किया है ना कि वो बच्ची हंसना बोलना मुस्कुराना भूल गई। ये तो कोयल के आने के बाद कनक ने हंसना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है, वरना हमने कनक को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कैसे सहम गई थी कनक जब हंसनी उस पे चीखी तो। हाँ पर बड़का बाबू, दीदी हमारे पीछे खाई पड़ी है, काहे कि हंसनी तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर कल जब तुम सच जीत गई और राघवेंद्र बाबू के स्वागत सत्कार के बाद जब राजीव बाबू तुम्हारे काम से खुश हो गए तो ये है उसका जवाबी हमला। सब ठीक है माई, लेकिन हमसे बदला लेने के लिए वो छोटा सा बच्चा उसका जान खतरे में डाल देगी दीदी। वो हमको नीचा दिखाने के चक्कर में अपना बेटी के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसे कैसे? तो इसमें कौन सा नया बात है? मुनिया टोला में भी हंसनी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाती थी। री सिर्फ तुमको नीचा दिखाने की बात नहीं है, वो हंसनी तुमसे राजीव बाबू को छीनना चाहती है। हंसनी राजीव बाबू को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कुहू हमको ना एक बात समझ में नहीं आ रही, जब बार बात कर रहे थे हम लोग कि कनक ने खाना खाने के बाद क्या खाया क्या पिया, उस वक्त तुम चुप क्यों बैठी? ये क्यों नहीं बताया कि कनक ने तुम्हारे हाथ से पानी पिया? ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? और फिर इतना तमाशा, ये क्यों किया तुमने? राजीव जी, ये आप कह रहे हैं? आप कह रहे? अरे तो गलत क्या कह रहे? ये बात जो तुमने किया, इतना चीखी चिल्लाई गर्जी बरसी, ये ठीक किया तुमने। तुम्हारे इस बर्ताव से वो नन्ही कनक सहम गई बेचारी। हंसनी, कनक हमारी बच्ची है और कोयल कुहू और संजीव की, लेकिन उन दोनों की जिम्मेदारी इस घर के अंदर हमारी है। देखो हम मानते कि आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारे चलते कनक बच गई, लेकिन सच तो ये भी है कि जो पानी उसने पिया था जिसमें शायद सिरप हो सकता है, वो तुम्हारे हाथों पिया था उसने। देखो हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे तुमसे, ये जो लापरवाही हुई है ना, आज के बाद नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। Oh my gosh, Anshu baby, क्यों के प्लान के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों को साड़ी डांट पड़ गई और कुहू वो तो साफ बच गई। हाँ, आई तो इसका दोषी कौन है? तुम। अगर उस सीसी कुहू के सामान में डाल देती, वो सबको बाद में मिल जाती, ये साबित हो जाता कुहू का है कैसी है, इतना मारा मारी नहीं होता। Oh my gosh, Anshu, यूं तो सारे वर्ल्ड का टूर करके आई के ऊपर आ जाती है। यू को एक बार समझने की जरूरत है, राजीव कभी भी नहीं डांटेगा कुहू को, ही बहुत भरोसा करता है शी के ऊपर। आई को तो लगता है एका दिल आ गया है शी के ऊपर। समस्या कुहिया नहीं, कुहू की अच्छाइयां हैं, कुहिया की अच्छाइयां एक एक करके राजीव पर हावी हो रही है। जल्दी से कुहू को इस घर से विदा करना होगा, और नहीं किया तो
हंसू डोंट फॉरगेट, कुहु के इस घर में 1 नहीं 2 अधिकार है, एक उसका प्रेजेंट हस्बैंड संजीव एंड दूसरा पास्ट टेंस राजीव, ना आसान नहीं है उसको उस घर से टालना। अब एक तरफा हमला नहीं, दोनों तरफ से हमला करना होगा, एक तरफ से संजीव और दूसरी तरफ राजीव का नंबर लगाना होगा। हम तो कहते हैं तोड़ के रख दो दोनों को। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या कर रही हो तुम? ये सब्जियां कैसे काटी हैं तुमने? ऐसा लग रहा है युद्ध कर रही हो उनके साथ। सारा गुस्सा इसी पे निकाल दिया? कुहू क्या हो गया? कुहू क्या बनाया था बेटा? सबका सब जल गया भीतर से। 7 बरस से हम खुदे समय की आंच पे बैठे, जाने काका जल चुका है जीवन के भीतर। क्या हो गया बेटा? क्यों इतना अनाप शनाप बोल रही हो? अब भी सोच सोच के कांप रहे हैं कि छोटा सा बच्चा के साथ कोई माँ ऐसा जुर्म कैसे कर सकती है, कि उसको कब सिरप पिला कर उसका जान खतरे में कैसे डाल सकती है बुआ जी। हंसनी दरिंदगी की किसी भी सीमा तक जा सकती है, नीचता की कोई भी हद पार कर सकती है, पर कोई माँ अपने ममता को कैसे कलंकित कर सकती है? मतलब अपने स्वार्थ के लिए अपने नफरत के आगे बस। अरे मार बच्चा कभी तो कोई रिश्ता होता है कि नहीं? रिश्ता हंसनी के लिए कोई भी रिश्ता मायने रखता ही नहीं बेटा। जो लड़की अपनी शादी के रिसेप्शन में अपने अपने बाप को पहचानने से इनकार करती। हम तो पूर्णिया के जमींदार पुरुषोत्तम राय की बेटी हैं। भिखारी जैसे दिखने वाला इंसान किस नजर से आपको हमारा बाप लग रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे आम उन्हें जलील करे, और जो अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है वो मेरी आंखों के सामने है, मैं खुद देख सकती हूँ। उसका पहला पति संजी उसकी बेरुखी और बेशर्मी की वजह से ना बेचैन हो गया था। मैं जानती हूँ और तू भी जानती। और अब उसका दूसरा पति राजीव कैसा और कौन सा पत्नी धर्म निभा रहे है बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और तू तो उसकी सगी बहन है ना, मुझे तो उसने जान से मारने की कोशिश की ना। अगर वो प्यार करती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार करती है, और वो खुद से प्यार करती है और अपनी खुद गर्जियों से। बस 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 और मत कीजिए उसका बात। एकदम अजीब सा बेचैनी होने लगता है, अजीब सा घबराहट होने लगता है, जी खराब हो जाता है। मत कीजिए, तो कनक का दुर्भाग्य है कि वो उस माँ के कोख से जन्म ली। ये बोले बाबा वो बच्ची का रक्षा करना। कोई बात नहीं बोझ, हम भी संकल्प लेते हैं कि जो कनक के माथे का दुर्भाग्य है ना उसको हम मिटा के रहेंगे, चाहे वो दुर्भाग्य का सूरत कुछ और का ही ना हो, चाहे उसका वजूद कुछ और का ही ना हो, हम मिटा के रहेंगे। अब तक डरी हुई है कनक, माए हमको बहुत बेचैनी हो रहा है। दीदी हमारे झगड़े में ना पूरा गुस्सा कनक पे निकाल रही है। ये सही बात नहीं है, तुम इतना परेशान काहे हो रही हो? आ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठो पानी। माई तो गलत बात है ना, बड़ों का लड़ाई में बच्चा लोगों को तकलीफ देना एक गलत बात है। कनक कनक आओ कनू,
हमारी कनू, सारी कनू, हमने तुमको डांटा, बुरी तरीके से बात की, हम क्या करते? बाकी लोग हमको परेशान कर रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। कोयल, सारी बच्चे हमारी तरफ से दोनों बच्चा लोग को सारी। एक खुशखबरी है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई है, कनक अब पूरी तरह से ठीक है। जय भोलेनाथ, तो बहुत ही अच्छा खबर है। दर्द हो रहा है मुझे। बाबू से बोले और तुम कनक को सताना शुरू कर दी। दीदी तुम माँ हो, कहाँ हो तुम? अब इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चली गई? कभी कभी अपनी पत्नी पर नजर रख लिया करो। अपने पति को छोड़कर हमारे पति के नजदीक भटकती रहती है, असराम लिहाज है ही नहीं। किसी के नजरों में दोष है तो कोई क्या ही कर सकता है। तुम एक काम करो ना, अपनी आंखों को अच्छी तरह धो, इनमें ना काफी मैल जम गए। और नहीं तो? और रहा सवाल हमारी पत्नी का, हमारे पति के नजदीक आने का, उससे हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें उन पे पूरा भरोसा है, इसीलिए उनके इस व्यवहार से हमें कोई आपत्ति नहीं है। सच में कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं। सोच लो, आपत्ति नहीं या फिर अब अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं। आपकी पत्नी कुहिया से आपकी वफा, हमारा मतलब है आपका मन उठ गया है का? ये दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। अभी इस समय कौन आया है?